हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक लंबे टाइम के बाद फिर से एक वीडियो बनाऊंगा मैं आज, क्योंकि आज जो हमारे यहाँ फाटा की साइड केदारनाथ भगवान रुकते हैं, आज से दो दिन बाद ऊपर केदारनाथ में कपाट खुलेंगे। और तो मैं माँ महिषासुर मर्दिनी के मंदिर में जा रहा हूँ, और उधर भगवान केदारनाथ की डोली आती है तो उधर से भी दिखाऊंगा आपको, और फिर फाटा में डोली रुकती है तो वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा। चलो आपको आगे सीधे मंदिर में मिलता हूँ। डोली है वो यहाँ पे पहुँचने वाली है, और हमारे भाई जी ने यहाँ पे सजा रखा है। देवता की डोली यहाँ पे रुकेगी, विश्राम करेगी, और ये हमारे ताऊ जी हैं, और ये गोपी सेमवाल जी, पंडित गोपी सेमवाल जी। और अभी हम महिषासुर मर्दिनी के मंदिर में हैं, और यहाँ पर लोगों ने भी काफ़ी व्यवस्था कर रखी है बाहर पे, और जो आएंगे देवता के साथ। दोस्तों, अभी जब देवता आएगा तब मिलते हैं आपके साथ। तो दोस्तों, हम अभी माँ महिषासुर मर्दिनी देवी के मंदिर में हैं, और यहाँ पे आपने आप देख सकते हो कितना अच्छा सजाया हुआ है। यहाँ पे भगवान की डोली विराजित होगी, और मेरे साथ मेरे हमारे भाई सुनील सेमवाल जी हैं, और ये आपको कुछ बताएंगे। माँ भगवती महिषासुर मर्दिनी का ये क्षेत्र है। बोलते हैं कि माँ भगवती ने यहाँ पर महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था, और परंपरा के अनुसार भगवान की डोली, केदारनाथ की भगवान की डोली आते समय और जाते समय भगवान माँ महिषासुर मर्दिनी के मंदिर में आती है। यहाँ पर भगवान की पूजा पंडित हम धारगांव पंडित के द्वारा की जाती है, और इसके बाद भगवान यहाँ से आगे विराजमान प्रस्थान करते हैं और फाटा में एक दिन रात विश्राम करते हैं। उसके बाद भगवान की डोली गौरीकुंड पहुँचती है, माँ गौरी माता के मंदिर में रात्रि विश्राम करके अगले दिन सुबह प्रातः केदारनाथ भगवान जी के स्थान में भगवान की डोली स्वयं जाती है, और प्रातः फिर अगले दिन वहाँ पर क्या कपाट खुलते हैं, और फिर 6 महीने तक भगवान जी के कपाट खुले रहते हैं। 6 महीने के उपरांत जब भगवान जी के कपाट बंद होते हैं तो रामपुर में डोली निवास करती है, और उस दिन भी यहाँ पर भगवान जी का भव्य और दिव्य स्वागत किया जाता है। तो अभी भगवान की डोली पहुँचने वाली है कुछ क्षणों बाद, और ये क्षेत्र माँ मैखंडा गांव महिषासुर मर्दिनी का क्षेत्र है। तो आप सभी भक्तों से हमारा निवेदन है कि आप इस दिव्य भव्य स्थान पर आकर के माँ का आशीर्वाद दें, और हम यही बोल सकते हैं कि इस स्थान पर आकर के मन की शांति जो होती है वो कहीं नहीं मिलती है। इसलिए माँ आप सबका भला करे, उद्धार करे। जय माँ महिषासुर, जय माँ महिषासुर, जय बाबा। दोस्तों, भगवान की डोली आने वाली है, अभी आपको दिखाते हैं। तो भगवान की डोली आप देख सकते हो, ये माँ महिषासुर मर्दिनी के दरबार में आ चुकी है। Thank you.
जा भाई। जय हो बाबा केदार, जय सभी को खुश रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना।